हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी आई होप ऑलफेर डूइंग ग्रेट फाइन एंड सेफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिसाइड व्हाट टू डू इन लास्ट सेवन डेज सेवन डेज में आप क्या कर सकते हो फॉर पी यू फाइव ईयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो आपका बी ए बी कॉम एल एल बी का एग्जाम है उसमें आप लास्ट सेवन डेज में क्या आप कर सकते हो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो वर्ड हो जाते हैं कि लास्ट सेवन डेज का हम बेस्ट यूज़ क्या कर सकते हैं और आप वरी ना करो इसीलिए आई एम हेयर टू टेल यू कि आप क्या कर सकते हो ठीक है इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्टेज ऑफ प्रिपरेशन दैट यू आर ठीक है ना तो सबसे पहले द थिंग दैट यू हैव टू इंश्योर इज वन थिंग दैट यू हैव टू इंश्योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको दो बार प्रोवाइड कर चुकी हूँ एक बार हाउ टू प्रिपेयर फॉर पी यू इन ला इन सेवन डेज फ्रॉम जीरो में और एक स्पेसिफिक वीडियो भी मैंने करी हुई है अगर आप पी यू बी एल एल बी की जो प्ले लिस्ट है उसमें देखोगे तो यू फाइंड द वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट अगर वो हो गया है ना इस टाइम पे तब भी ये मानो कि हाँ ठीक है हो गया है उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका रहेगा वो है रिविजन एंड रिविजन के साथ साथ ही इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ठीक है ना ये दोनों चीज़ें बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं उनको लगता है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कर लिया कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया हमारा हो गया नहीं आपको रिविजन भी करना है और मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट करना है ठीक है ना बिकॉज आपको पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करोगे आपको पता चलेगा कि यार मुझे नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है मुझे कौन से क्वे? मुझे हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता मैं मुझे छोड़कर आने पड़ेंगे जब आप देखोगे ना जब आप खुद देखोगे कि मैंने कितने क्वेश्चंस अगर मैं ये अटेम्प्ट ना करता या कर देता तो मेरा क्या फायदा या नुकसान होगा जब आप ये एक्सपीरियंस करोगे ना तो एग्जाम में आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी ठीक है ना इंग्जाइटी होती है ठीक है बहुत बच्चों को फियर लगता है ड्यूरिंग द एग्जाम बट अगर वो उससे पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो वो डर जो है ना यू विल बी यूज टू टेकिंग टेस्ट तो यूज टू होना है तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है ठीक है वहीं पर रिविजन करनी बहुत जरूरी है रिविजन का मतलब ये नहीं है कि आपने दोबारा से सब कुछ पढ़ना है थ्योरी में से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा एम सी क्यूज रिवाइज करें मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दिया देखो अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं करे फ्रॉम जीरो आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो यू कैन चेक आउट द वीडियो रिविजन कैसे करनी है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी कर दी है वो आप चेकआउट कर सकते हैं लास्ट सेवन डेज में कैसे रिवाइज करना है एक एक टॉपिक का बताया है कैसे रिवाइज करना है और आपको मैंने टाइम टेबल भी दिया है आपको टाइम टेबल भी दिया वो फॉलो कर लो नेगेटिव मार्किंग के लिए कैसे अटेम्प्ट करना हैव डन द वीडियो एंड इन सेवन डेज में येस यू हैव टू एनालाइज द पेपर मॉक टेस्ट को आप एनालाइज करोगे एंड यू कैन सी योर इंक्रीज पर अगर स्कोर में इंक्रीज चाहिए ना तो बेटा एक काम तो करना पड़ेगा अगर स्कोर में इंक्रीज चाहिए तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा और प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा कि मैं कौन से टॉपिक्स करूँ और कौन से नहीं इन सब पे वीडियो करा हुआ है हाउ टू एनालाइज हाउ टू मेक अ प्लान ऑफ एक्शन सब पे प्लान ऑफ एक्शन में इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर गलत हो रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो हर कोई देखेगा वो सबसे पहले है और फिर अदर टॉपिक्स करने हैं ठीक है जी सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू ऐसे आप प्लान करोगे कैसे रिवाइज मारते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हुए कोई पहले वो करो कोई भी नहीं हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीरो वाली वीडियो फॉलो कर लो रिवीजन नहीं करी है लास्ट सेवन डेज रिवीजन वाली पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो हमारे मॉक टेस्ट आर अवेलेबल ऑन लॉगरी डॉट इन ठीक है वो आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो लिंक इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना इज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है उससे और हाँ बहुत सारे बच्चों का जो दूसरा क्वेश्चन है इस एग्जाम में पर्टिकुलरली वो है करंट अफेयर्स को लेकर कि हम करंट अफेयर्स का क्या करें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है करंट अफेयर्स को या देखो अगर आपने रेगुलरली कहीं से भी भी करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं हैं और आपके पास नोट्स उनको रिवाइज करो करो कोई भी नया मत नथिंग यू हैव नथिंग आपने कुछ नहीं किया है तो यार एक काम कर लो देखो जो एक पेपर होता है मैं ये क्लैरिटी इसलिए दे रही रू बिकॉज पेपर के बाद आप लोग मेरे पीछे ना पड़ो रैंडम क्वेश्चन भी आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में ठीक है ना अब मुझे नहीं पता वहां पे उस दिन क्या आएगा बट ये Uh, अभी मिनिमम बेयर मिनिमम क्या कर, कर जा सकते हो अगर कुछ भी नहीं किया है तो पी के जो मेरे मॉक टेस्ट हैं उसके अंदर जो करंट अफेयर्स हैं वो कर जाओ एंड जितने वन शॉट्स लगाकर जा सकते हो जितने वन शॉट्स हमारे पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं लॉकिरी डॉट इन पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मार्च का भी हो गया है मैं ट्राई करूँगी कि अप्रैल ट्वेंटी का भी फिफ्टीन डेज का डाल दूँ ये भी आप देख जा सकते हो ठीक है ना जितने देखे जाते हैं जितने देखकर रिवाइज होते हैं उतने अभी आप कर करके कर जाओ और कुछ हम नहीं कर सकते तीसरी चीज़ जो बच्चे पूछ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फियर और एंजाइटी डर लग रहा है कि क्या होगा अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ आ, कितनी कट ऑफ जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट ये सब डर लग रहा है तीसरी चीज़ जो क्वेश्चन आए हैं उसके लिए सबसे पहले एफर्मेशन्स हर बच्चा जो है एफर्मेशन्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं लॉगिरी डॉट इन पर रजिस्टर करो हर रोज सुनो उन एफर्मेशन्स को दूसरा सेल्फ टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक देनी है अपने आप को कि यार मेरे पास एक ऑपॉर्चुनिटी है ठीक है ना अगर मैं बिना डरे विद काम एंड पीस इस अपॉर्चुनिटी में पेपर देकर आता हूँ अपना हंड्रेड परसेंट देता हूँ पेपर के अंदर दैट इज बाय अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं ठीक है ना बाय स्टेइंग काम आप ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट कर कर आओगे अगर ये कर लेता हूँ ना आई एम अ विनर मैं क्या हूँ आई एम अ विनर तो क्योंकि बाकी जो चीजें आपके हाथ में अगर आप वो ढंग से कर लेते हो दैट इज टू स्टे काम इन एट एट पीस दैट इज टू गिविंग योर हंड्रेड परसेंट वैल अटेम्प्टिंग द पेपर बिफोर द पेपर एंड आफ्टर द पेपर ऑल्सो देन यू आर अ विनर ठीक है ना बाकी सारा तो यार ऊपर वाला देखेगा क्लियर होता है नहीं होता यू हैव टू अभी जो सात दिन पढ़े हैं सेवन डेज पढ़े हैं उसमें प्रेपरेशन में हंड्रेड परसेंट लगा दो जो मैंने तुम्हें कहा है वो करो ठीक है ना सही स्टेप करो अब बहुत अच्छे हैं करते, कहते मेहनत तो बहुत करी थी पर वो नहीं पढ़ा था जो आपने कहा था मेहनत ओनली हार्डवर्क इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू राइट डायरेक्शन भी काम राइट right डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा ठीक है ना तुमको दिल्ली जाना है ठीक है ना और तुम चले कन्याकुमारी की तरफ हो फिर तुम कहोगे मैं चला तो था बट गलत पहुंच गया नहीं हार्डवर्क एंड राइट डायरेक्शन डायरेक्शन तुम्हें दे दिया हार्डवर्क तुमने करना है मोटिवेशन एफर्मेशन हर रोज करोगे सही रहेगा किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं होता है लाइफ में अगर ये लगता है कि कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर तुम हार्डवर्क और डायरेक्शन ढूंढना चलना कभी बंद नहीं करोगे ना तो कहीं ना कहीं घूम ही जाओगे ठीक है ना अभी तो तुम्हें पता है तुम्हें दिल्ली जाना है बट जो कन्याकुमारी भी जा रहा है वो भी मुड़कर दिल्ली जा सकता है ठीक है ना तो अवेकनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो जिंदगी में यू विल अचीव समथिंग और द अदर अगर तुम हार्डवर्क और अपनी डायरेक्शन में चलते रहोगे राइट सो so डरने वाली कोई बात ही नहीं है डरना तो है ही नहीं है वो जो डिप्रेशन हो रहा है ना आफ्टर एग्जाम नो 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 वो नहीं चाहिए नो नॉट एट ऑल तो क्या हुआ कुछ और कर लेंगे ठीक है सो फियर एंड एंग्जाइटी बता दिया करंट अफेयर्स का बता दिया ये बता दिया कि भाई किसको क्या करना है ठीक है रिविजन में भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कुछ छोड़कर सबसे पहले उसको करो ठीक है ना बट येस गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस करनी है ओनली थ्योरी इज नॉट गोइंग टू वर्क रिविजन करना जैसे मैंने बताया है मॉकटे सॉल्व करना अटेम्प्ट करना जैसे मैंने बताया ये तीनों चीज़ें करनी जरूरी हैं और काम रहना और काम रहना ये चार चीज़ें जिसने कर ली ना फॉर मी द पर्सन इज अ विनर और आगे जाके जिंदगी में कुछ बड़ा ही करोगे ये पेपर नहीं भी क्लियर होगा याद रखना क्लियर हो गया बहुत बढ़िया बात है नहीं क्लियर हुआ इट इज समथिंग गुड इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ ठीक है ना बट हाँ अगर कोई लर्निंग है आपने कोई गलती करी हो उससे जरूर सीख लेना सो दैट्स इट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना कैसा फील कर रहे हो ये जरूर शेयर करना कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में मैं से पूछ सकता हूँ एम गोइंग टू आंसर फॉर श्योर प्ले लिस्ट का लिंक आपको स्क्रीन के एंड पर मिल जाएगा वहां से देख लेना नहीं तो प्ले लिस्ट सेक्शन में पी यू बी एल भी ढूंढ लेना और वहां से वीडियोज देख लेना दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ एल सी सुपरसून बाइंड टेक केयर